हरियाणा के कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने सढोरा विधानसभा के बाढ़ प्रभावित गांवों खानुवाला व चिंतपुर का दौरा किया। सोम नदी के तटबंध पर खुद मोटरसाइकिल चलाकर ग्रामीणों के साथ पहुंचे कृषि मंत्री और पूरी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सोम नदी में पानी ज्यादा आने के कारण टूटे हुए तटबंध को ठीक करने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा हर संभव सहायता की जाएगी। फसल के नुकसान की भरपाई के लिए बाढ़ प्रभावित खेतों की गिरदावरी करवाकर सरकार को भेज दी गई है। प्रदेश सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि बाढ़ के पानी से गांव के घरों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करेगी। गलियां आदि जो भी खराब हुई हैं उनको ठीक करवाया जाएगा। नदी में दोगुना पानी आने के कारण व बहाव की चौड़ाई कम होने के कारण तटबंध टूट गया है। क्षतिग्रस्त तटबंध को ठीक करने के लिए 2 मशीनें लगाई गई हैं। 3 मशीनें और लगाकर 5 मशीनों द्वारा कल तक मिट्टी का काम पूरा कर लिया जाएगा। पत्थर व स्टड लगाकर पानी का बहाव बदला जाएगा। संकट की इस घड़ी में सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। देखिए बहुत बड़ा नुकसान है गया और ये जहाँ से पटड़ी टूटी जो पहले गांव है उसमें वो चिंतपुर और खानुवाला है और इन गांव में वैसे भी गांव में भी काफ़ी नुकसान है। फसल का तो नुकसान है ही, तो मैंने भी SDO साहब से बात की और जो फसल का नुकसान है उसकी हमने गिरदौरी करा दी, वो सरकार के पास भेज दी। और अभी मैंने SDO साहब से कहा कि घरों में भी जो नुकसान है, और मैं समझता हूँ कि फ्लड के बाद ना 4-5 दिन बाद पता चलता है असली नुकसान का, क्योंकि मकान पर कई बार टेढ़ा भी जाते हैं और ख़राब भी होता है। तो हम उसका पूरा मुआवजा सरकार उसमें पूरी मदद करेगी इनकी, और भी जो तुरंत सहायता करने की है वो मैंने अभी बात की और अभी मैं DC साहब से बात करूँगा, तो तुरंत जो मदद है वो भी हम जल्दी इनको उपलब्ध कराएँगे। और जो गलियाँ और दूसरे ख़राब हैं तो उसके लिए भी हम पैसे की व्यवस्था करके उन सारी को ठीक कराएंगे। तो वहाँ जो दूरी है मतलब चौड़ाई जो का है वो कुछ कम होगी वहाँ चौड़ाई है, ये भी मेरे ख्याल का मुख्य कारण है। जो SC हैं इरीगेशन के, उनका कहना है कि पानी जितना पानी आता है उससे 2 गुना से भी ज़्यादा पानी आ गया, यानी कि 10,000 क्यूसिक पानी आता है तो 24,000 क्यूसिक पानी आ गया। तो ये भी कारण होंगे, कुछ कारण दूसरे भी हैं कि नदी में बीच में टापू बढ़ जाते हैं उसकी वजह से भी है, और वहाँ जो बहाव है वो भी जो उसकी चौड़ाई थी वो कम होगी, कई कारण बन गए इस प्रकार के जिसकी वजह से वहाँ से टूटा है। लेकिन वहाँ पे अभी हमने पूरी तैयारी शुरू कर दी, 2 मशीनें अभी तक पहुँच गई, 3 मशीनें थोड़ी देर में पहुँच जाएंगी और 5 मशीनें लगा के हम तुरंत उसको, मैं समझता हूँ कि कल तक ही हम इसका जो है एक जो मिट्टी का काम है वो तो कल तक ही हम शायद पूरा कर देंगे, और उसके साथ पत्थर लगाना दूसरे लगाना और उसके ऊपर हम स्टड लगाएंगे ताकि वो पानी का जो बहाव है वो सीधा इस साइड में टक्कर ना मार के थोड़ा पानी का घुमाव हो उसमें, तो वो हम कर देंगे। बिल्कुल साथ खड़ी इनके और पूरी मदद जो भी सरकार के करने की है वो पूरी मदद करें। सेंट बाढ़ पीड़ितों को राहत मिलेगी, जो भी जरूरत है वो निश्चित तौर से उनका जो भी नुकसान है उसकी भरपाई करेंगे। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट।